भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवंतता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिन मेरे श्रमिक भाई बहनों ने अपना पसीना बहा है, वे सब, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान प्रदर्शनी स्थल को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी, वही छूट गया। डेढ़ दशक पहले यहां सुविधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे, अब एक फैशन तो होती है, घोषणा करो, कागज पे दिखा दो, दिया जला दो, फीता काट दो, अखबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर, मैं मेरे काम पर, यही चलता रहा। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर